वृक्ष उगाने के लिए सब अच्छे से अच्छे बीज उपयोग में लाते हैं, क्योंकि बीज ही यह निश्चित करता है कि उगने वाला पौधा एक वट वृक्ष बनेगा या कांटेदार झाड़ी। परंतु उस वृक्ष का अस्तित्व सुनिश्चित करती है वो माटी, वो भूमि जिसमें वो बीज पनपेगा। क्योंकि यदि माटी बंजर हुई तो बीज सूख कर मर जाएगा, और यदि माटी में खारापन हुआ तो वो बीज एक छोटा सा पौधा बनकर ही सीमित रह जाएगा। इसलिए माटी पर ही निर्भर करता है कि कौन सा बीज भविष्य में एक विशाल वट वृक्ष बनकर सैकड़ों को घर देगा, सहस्त्रों को छाव देगा। यही संबंध है राजा और प्रजा के बीच। राजा यदि बीज है तो प्रजा है माटी। इसलिए यदि श्रेष्ठ शासक से उत्तम शासन पाना है तो प्रजा को स्वयं सावधान रहना होगा, निरंतर स्वयं पर कार्य करते रहना होगा, क्योंकि राजा इसी रज्ज से बनता है। इसलिए आवश्यकता राजा से अपेक्षा की नहीं है, आवश्यकता है स्वयं की कर्म परीक्षा की। नीति मेरी, नियति आपकी।